मांगे समझी चले माँ के यकीन से माँ के एनकरेजमेंट से माँ के पेशेंस से माँ की सैलम से उस बच्ची को कहां से कहां तक पहुंचाया जिसको साइंस ने टेक्नोलॉजी ने डिक्लेयर किया ये चल नहीं सकती माँ ने कहा ये चल सकती है लेकिन वो विल्मा कहती है मैंने माँ पे यकीन किया और 1960s में उसके अखबारों में फोटो आ गए मैगजीन्स में फोटो आ गए और शिवा दिखली तो फास्टेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड जिसने 400 मीटर की रेस में 3 गोल्ड मेडल ओ माँ मेरी ओ माँ मेरी तू है तो दुनिया कितनी हसीन है जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है ओ माँ मेरी अरमां किसको जन्नत की रंगी गलियों का अरमां किसको जन्नत की रंगी गलियों का मुझको तेरा दामन हो बिस्तर गलियों का जहाँ पर है तेरा दामन मेरी जन्नत भी बनी है ओ माँ मेरी ओ माँ मेरी ओ माँ मेरी माँ को चाहते रहना कोई खता तो नहीं सख्त रातों में भी सफर आसान लगता है ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है माँ को चाहते रहना कोई खता तो नहीं मगर खता कर अपनी माँ से जो अपने बच्चों के खातिर खुद को फना कर देती है माँ को चाहते रहना कोई खता तो नहीं दास्तां मेरे प्यार की बस एक हस्ती के इर्द घूमती है प्यार जन्नत से इसलिए है मुझे वो मेरे माँ के कदम चूमती है माँ को चाहते रहना कोई खता तो नहीं पूछता है जब भी कोई मुहब्बत है कहाँ मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आती है माँ माँ को चाहते रहना कोई खता तो नहीं क्योंकि इस एज में जो आपकी एज है ना उसमें सबसे बुखार होता है आई लव यू चाहे वेदर शी और ही क्योंकि हम इस एज से गुजरे हैं सबसे ज्यादा बुखार मैं कहता हूं उसको आई लव यू बोलो जो सुबह आपके इन सर्दियों जब आप मेकअप के बगैर अपना रूल देखोगे तब स्टार्ट होती है लाइफ बैंड नहीं होता सिमरन जा अपनी जिंदगी के लिए वैसे यहाँ नहीं होते आप मैं जब बेटी अंदर आ जा लेकिन वहां से जिंदगी स्टार्ट होती है वो बैंड नहीं है वो बिगिनिंग है लाइफ की शादी के बाद बिगिनिंग स्टार्ट होती है जब आप कमजोरियां देखते हो अपने पार्टनर में जब आप उसे गलत आदत देखते हो तब बिगिनिंग होती है जिंदगी की वो जो मिल गए वो दैट बैंड नहीं होता उनको लिखना चाहिए नाउ द बिगिनिंग स्टार्ट्स नाउ तो हम अपना सेशन इसके बगैर है कुछ
लेकिन हम दूसरों में अपनी सक्सेस ढूंढते हैं। एक बंदा था वो चाबी ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है? तो ये जब हमारे घर में भी चाबी खोती है, जो भी आता है वो भी ढूंढने लगता है कि नहीं, ढूंढता है चाबी। तो जो भी बंदा आ जाता है वो चाबी को ढूंढ रहा है, जो भी बंदा आ रहा है वो चाबी। फिर जब ये थक गए, अरे यार चाबी कहाँ खो गई, और उसने कहा वो तो घर में खो गई। फिर लोगों ने कहा यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो चाबी, उसने कहा यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे बाहर चाबी कहाँ पे खोई है, घर में ढूंढ कहाँ रहा है, बाहर सबों को लगा दिया उसने। जब उसने लास्ट में सब बंदे परेशान हो गए तो बोला कि भाई साहब आप चाबी ढूंढ रहे हो लेकिन हमें भी नहीं मिल रही, कहाँ खो गई चाबी? उसने कहा वो घर में खो गई। तो भाई साहब यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? उसने कहा यहाँ पे लाइट है, मैं इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। माय डियर, आपकी जिंदगी की चाबी, सक्सेस की चाबी, फेलियर की चाबी, गम की चाबी, खुशी की चाबी, आपको ऊपर पहुंचने की चाबी, आपको कब्र में पहुंचने की चाबी, सब आपके अंदर है माय डियर। आप दूसरों में ढूंढ रहे हो, कभी अपनी चाबी को दूसरों में मत ढूंढना, चाबी आपके अंदर है लेकिन बदकिस्मती से हम दूसरों में ये चाबी ढूंढ रहे हैं। और जो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स मैंने कि इंसान सक्सेस की फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, लेकिन अनसक्सेस फेलियर की फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। फियर, अपना फियर, अंदर का फियर और लोगों का फियर, सबसे बड़ा फियर जो इंसान की नाकामयाबी की वजह बन जाता है वो है फियर ऑफ द पीपल, एंड जो अंदर का फियर, अंदर का डर। क्योंकि हम आप जो बैठे हो ना, जिस एज में आप हो ना आज, हम आपसे दो डिकेड ज्यादा होंगे, हमारी जहां तक हम इन चीजों से गुजरे हैं, मैं चाहता हूं जो हमने इस एज में चीजें सीखी आप इस एज में सीख जाओ। क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमसे खुश हो जाए, फलानी हमसे खुश हो जाए, फिस्तानी हमसे खुश हो जाए, लेकिन माय डियर खुशी आपके अंदर है, गम आपके अंदर है, फेलियर आपके अंदर है, सक्सेस आपके अंदर है। तो मैं इसको कभी ढूंढने की कोशिश मत करूं। आप कहोगे कि फलानी फिस्तानी हमें जॉब देगा, वो जॉब देगा, ये जॉब देगा, ये हमें लाइफ में आगे ले जाएगा, ये वाला दोस्त हमें आगे ले जाएगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो अपनी नफ्स के खिलाफ ऐलानी जंग कर लो, क्योंकि नफ्स के खिलाफ जिसने ऐलानी जंग की है वही आगे चला है। आपको पता है आपका नफ्स दो रुपये कहां पे दिखता है? और जो फेलियर है ना, फेलियर को इतने जलील किस्म का कंसेप्ट, अगर इजराइल की बात करें, जब वहां पे कोई फेलियर होता है यहाँ पे क्या करते हैं? अगर हमारी कल्चर में, हमारी सोसाइटी, हमारी मुल्क में